बदली दाग दिल के छुपाने से क्या फायदा, तू तो दर्पण निहारे सवारे सकल दाग दिल के छुपाने से क्या फायदा। और जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। शांति मन में खुद ही नहीं जब तेरे, तो मस्तक चंदन लगाने से क्या फायदा। और कदम छोड़ भक्ति भजन में लगा, ऐसे आसन जमाने से क्या ऐसे आशक जमाने से क्या फायदा, ऐसे आशक जमाने से क्या फायदा। कि मन के मंदिर में तूने तो खोजा नहीं, मन के मंदिर में तूने तो खोजा नहीं, दीप ज्योति जलाने से क्या फायदा। और भाव व्यवहार से राजी आदर करो, राधे मस्तक नवाने से क्या फायदा, राधे मस्तक नवाने से क्या फायदा, राधे मस्तक नवाने से क्या फायदा। तालियां बजा दिया करो अगर बात अच्छी लगे, जबरदस्ती नहीं अगर बात अच्छी लगे, क्योंकि बताया जाता है कि माँ माँ ममता विभोर होती है, माँ क्षमता की डोर होती है, क्योंकि माँ इस जगत की ओर छोर होती है। माँ नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो दुनिया भी नहीं होगी। क्योंकि रंगे जिंदगी को यूं ही बेवजह नहीं होता, और जब तक न तुम चाहो कोई हादसा नहीं होता। और एक एक सांस चाहे इस माँ की नजर कर भी दो, एक एक सांस चाहे इस माँ की नजर कर भी दो, अरे हक माँ के दूध का फिर भी अदा नहीं होता, हक माँ के दूध का फिर भी अदा नहीं होता, हक माँ के दूध का फिर भी अदा नहीं होता। क्योंकि माँ माँ का तुलना हो नहीं सकती संसार में, माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आइएगा उस माँ के चरणों में जिसने पैदा किया है, जिस माँ ने इस दुनिया में जीने का हक दिया है, चलकर लेकर चलते हैं। तेरा धरती ध्यान देखा और माँ तेरे नाम का, ना धरती ध्यान देखा माँ तेरे नाम का। अब एक बार दोनों हाथ सभी के ऊपर चढ़े, सभी के ऊपर, मेरी माँ के लिए नहीं, इस माँ के लिए भी नहीं जिसका तुमने दरबार सजाया है, उस माँ बाप के लिए जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है। अगर अपने माँ बाप को मानते हो तो दोनों हाथ सभी को करोगे, अपने अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि उनका कष्ट नहीं उतार सकते हम, केवल उनका सम्मान कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं। आइए दोनों हाथ ऊपर अपने माँ बाप के, और मीठी मीठी तालियों के साथ चलना है। क्योंकि न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है। अरे जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, खाया है ना माँ के हाथ से परोसा वो भोजन, खाया है सभी ने नहीं, तो दोनों हाथों को खुल के आइएगा दोनों हाथों की ताली के साथ। और कैमरे वाले भैया तुम्हें कसम से सबकी ताली आने चली दोनों हाथों में। तीनों मासिक रखी राख्या तुमने पेट फाड़ कर जाया,
किया था, तुमने न जान किया था अपने आराम का। क्योंकि माँ अपने बच्चे के प्रति कभी अपना ख्याल नहीं करती है, रोड से कूड़ा उठाती है, बर्तन साफ करती है, जहां तक कि अगर माँ को बिकना पड़ जाए ना तो माँ अपने बच्चे के लिए बिक जाती है, वरना भगवान भी नहीं बिक सकता। इस दुनिया में संसार में एक शख्सियत ही ऐसी है जो माँ है, इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती, खुद बिक जाएगी लेकिन बच्चे पर आज नहीं आने देती, नहीं आने देती, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है। ये दोनों हाथ खोल गए एहसान हर कि खुद भी ले दे गीले में, खुद भी ले दे सोती मैया सूखे हमें सुलाती, हम कितना लाज बढ़ाते। मैं बात कर रहा हूं आपकी समझ तक आ रही मेरी बात, सुन पा रहे मुझे आप? क्योंकि पहले बार बच्चा चाहे कितना भी गीला कर दे लेकिन बच्चे को फिर भी सूखे में सुलाती थी माँ। लेकिन आज के दौर में सुलाती है क्या? मॉडर्न जमाने में कोर्ट की आजकल बच्चा गीला करता ही नहीं है, सिस्टम ही ऐसे बना दिए गए। लेकिन फिर भी माँ कोशिश करती है कि ये गीले में न सोए, खुद गीले में, गीले में, खुद गीले में सोती मैया सूखे हमें सुलाती, हमें कितना लाती। भूखी रहती, भूखी रहती, भूखी रहती, इतने दिन है कच्चा पक्का खाती, हमें मीठा दूध पिला के पिलाती। माता के कद से छोटा, माता के कद से छोटा, नाम श्री राम का। क्योंकि भगवान को भी माँ के आंचल पे पैर रखने का अधिकार नहीं है। माँ, माँ वो शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी नाथ को भी पालने में झुला सकती है, सती अनुसुईया ने झुलाया था अगर याद हो आपको तो। माँ वो शक्ति है क्योंकि माता के कद से छोटा, माँ के कद से छोटा स्थान है भगवान का। क्योंकि हम काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, किसको पूजने के लिए जाते हैं? भगवान को पूजने के लिए। लेकिन भगवान किसको पूजता है सच बताइएगा? भगवान माँ को पूजता है, इसलिए भगवान का दर्जा माँ से छोटा बताया गया है वो सच्चे दरबार की। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बड़े प्यार से, लाड से, दुलार से बच्चे को नहलाती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती है। फिर एक काम और करती है माँ, क्या करती है? एक काला टीका लगाती है बच्चे के मस्तक पर, लगाती है ना? क्यों लगाती है वो? इसलिए लगाती है कि ताकि मेरे बच्चे पर बुरी नजर। मुझे कुछ पंक्तियां इस माँ के आशीर्वाद से लिखी है, आशीर्वाद चाहूंगा आपका। कि मुझे फिर से वही बचपन जमाना याद आता है, और माँ का हाथ मस्तक पर कराना याद आता है। वो ना जलाल कह करके पिलाती दूध, कहती थी माँ, कहती नहीं बेटा दूध पीले वरना हुआ आ गई। कि वो राजा लाल कह करके पिलाती दूध, कहती थी हुआ कह के घबराना मुझे फिर याद आना। क्योंकि वो दिन हम लौट नहीं सकते, हम चाहे मैं कहता हूँ हे माधेश्वरी वो वक्त लौटा दे कि जिस वक्त छोटे पर पे कोई डांट रहा था सीधे अपने माँ की गोदी में जाकर लिपट जाते थे, सारे संसार के दुख दूर कर देती थी माँ। माँ वो शक्ति थी, आज आज हम लिपट भी नहीं सकते क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं अपनी नजर में। माँ की नहीं तो 100 साल का बच्चा भी बच्चा ही होता है। कि कभी मैं ख्याल करता हूँ वो माँ की गोदी और चुपन, कभी मैं ख्याल करता हूँ वो माँ की गोदी और चुपन, सिमट बाहों में छुप जाना मुझे फिर याद आता है। और सारे प्रेम का सागर माँ की ममता निराली है, और सभी के हाथ खुल जाने चाहिए, मेरे आशीर्वाद, मेरे मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए कि जो पंक्ति मैंने लिखी है उनमें कुछ दर्द है। कि पसारे प्रेम का सागर माँ की ममता निराली है,
गया से पार है जाना मुझे फिर याद आता है। क्या बात, धन्यवाद तुम्हारी जबरदस्त तालियों को, इतनी जोरदार ताली बजाई। आइएगा तो हाथ खोलो एहसान नहर की चुकरे किसी के हिस्से में मकाया किसी के हिस्से में दुकाई। अरे मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई सोने का मत सोइएगा मत। देखिए प्रभात का बहुत सुंदर समय है, अगर आप चाहोगे तो मैं कोशिश करूंगा अपने मन को, आपके मन को जीतने की, वो चीज सुनाने की जो आज तक तुमने सुनी नहीं होगी। नई चीज इस माँ जगदम्बा की कृपा है, जो चीज सुना के रहूंगा आज तक नहीं सुनी होगी आपने। के राधे मां भजन सुनाता और तेरे गुणगान का। एक बार और कह लो दोनों हाथ, उसके बाद ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। दोनों हाथ बहन जी, सोना मत, नींद तुम्हें भी आ रही है। दोनों हाथ कर गए और दोनों के साथ एहसान नहर की चुकरे।